नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ऐलान कर दीजिए पूरे विश्व में कि ऑस्ट्रेलिया अब नया चैंपियन बन चुका है। T20 विश्व कप का विजेता हो गया है अब ऑस्ट्रेलिया। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। 50-50 के गेम में हमेशा से चैंपियन रहने वाला ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 विश्व कप जीता है। न्यूजीलैंड को उसने बेहद ही शानदार मुकाबले में मात दे दी है। 2010 के बाद 11 साल बाद फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की अब की कोई भी भूल नहीं कर सकती, और उसने बेहद ही शानदार तरीके से खेल दिखाया और मैच में जीत दर्ज किए। और अनफिंच की कप्तानी वाली इस टीम ने वो जज्बा, वो जोश दिखाया है जो कि पुरानी ऑस्ट्रेलिया में दिखता था। उस ऑस्ट्रेलिया में जो 2015 तक दिखती थी, उस ऑस्ट्रेलिया में जो रिकी पोंटिंग और स्टीवा की कप्तानी में दिखती थी। आज के मैच के हीरोज की बात करेंगे तो एक एक करके सभी नाम गिना दिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़े हीरो की बात करेंगे तो नाम आएगा मिचेल मार्श के। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है वो बेहद ही काबिले तारीफ रही है। इसके अलावा बात करेंगे डेविड वार्नर की, तो उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में आज ओपनिंग शुरुआत दी और रन चेस को आसान बना दिया। साथ ही ग्लेन मैक्सवेल ने फिनिशिंग स्टाइल में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। इसके अलावा जब गेंदबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया पहले, जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रही थी, तो वहां पर जॉस हेजलवुड ने पूरे जोश के साथ गेंदबाजी की और अपनी टीम को बेहद ही शानदार तरीके से इस मैच में प्रदर्शन करवाया। और ओवरऑल तरीके से अगर देखें तो इस ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके का कमाल दिखाया है उसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था। याद करिए, विश्व कप शुरू होने से पहले यही ऑस्ट्रेलिया है जब बांग्लादेश के खिलाफ 4-1 से वहां भी सीरीज हारा, मतलब वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से सीरीज हार कर या ऑस्ट्रेलिया जब विश्व कप पहुंचा तो सभी ने कहा ये टीम बाहर हो जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं खेलेगी। लेकिन ऑरन फिंच की कप्तानी वाली टीम में दम था और उन्होंने आज ये बता दिया कि उन्हें विश्व चैंपियन क्यों कहा जाता है। न्यूजीलैंड को एक बार फिर से मात दी और लिख दिया अपना नाम T20 ट्रॉफी 2021 पर एरन फिंच ने। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को इस जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और एरन फिंच को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई।